पूरे देश में भाजपा की हुई ऐतिहासिक विजय पर चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी के पदाधिकारियों सहित विधायकों में काफी उल्लास देखने को मिल रहा है। गोरखपुर जिले के दोनों लोकसभा और प्रदेश में 60 से अधिक सीटें जीतने पर पार्टी के विधायक पूरी तरह गदगद हैं। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि यह मोदी की लहर नहीं सुनामी है। जैसे हम लोग 300 का नारा दे रहे थे, जनता ने उससे भी अधिक जनादेश दिया है। निश्चित है मोदी और योगी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास का नया ढांचा खड़ा होगा। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से भाजपा विधायक विभिन्न सिंह ने कहा कि पूर्वांचल की धरती पर भाजपा का परचम लहराया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाप्त हो गई है। नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गठबंधन से वोट ट्रांसफर नहीं होते। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल व ग्रामीण क्षेत्र से विधायक विपिन सिंह ने कहा, निश्चित तौर पर यह लहर नहीं सुनामी, और जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन को 300 पार के हम लोग नारा दे रहे थे, 300 पार मोदी जी के काम को लेकर के जिस पर जनता ने अपना जनादेश दिया है, इस तौर पे जनता को हम महानगर की तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके बधाई देते हैं। और जो गोरखपुर की आज ऐतिहासिक विजय हम लोगों को प्राप्त हुई है, ये पूज्य महाराज जी के जो विकास कार्यों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए और मोदी जी के विकास कार्यों को लेकर के हम लोगों ने जनता से आग्रह किया था, ये संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पूज्य योगी जी की और मोदी जी के विजय श्री को आगे बढ़ाने का जो जनता ने काम किया है, उसके लिए हम उनके बधाई देना चाहते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करना चाहते हैं। और जनता ने जो विश्वास किया है, निश्चित तौर पे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में एक बहुत बड़ा विकास का एक ढांचा खड़ा होगा और देश अपने परम वैभव को प्राप्त होगा, निश्चित तौर पर दावा कर सकते हैं। देखिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि यह एक स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, वोट ट्रांसफर ऐसे नहीं होते हैं। सबसे पहले हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को ढेर सारी बधाई देंगे। इस पूर्वांचल की धरती से जितना भी कहिए, करीब जो उम्मीद नहीं थी उससे अधिक अच्छा प्रदर्शन हुआ है, तो पूरा हम लोग स्वीप कर गए, पूरा इन लोग की ऐसी तैसी कर दिए हैं। और देखे गठबंधन की, और देखे पूरे देश में मोदी जी के नाम पर अंडर करेंट चला है, देखें आप, बहुत तेजी से सब लोग जुड़े हैं और हम 60 प्लस जा रहे हैं, देखिए आप, और 350 के लक्ष्य को हम पा रहे हैं पूरे देश में। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई देंगे हम लोग, और इस पूरे भारतवर्ष की सम्मानित जनता को कि दलगत भावना से, जाति पात से ऊपर उठ करके इन्होंने मतदान किया है, इसके लिए पूरे देश की जनता बधाई की पात्र है। बहुत बहुत निश्चित विकास, राष्ट्रवाद, विकास, मोदी जी का जिस क्षेत्र में आप चर्चा करें, हर क्षेत्र में मोदी जी का जवाब नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं है, और जनता ने भी एक्सेप्ट किया उसको कि हम लोग जो करते, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आज जनता ने उसको प्रमाणित कर दिया। गठबंधन जो भी कहता रहे, लेकिन आज जनता ने उस पर मोहर लगा दी और बम्पर वोट से हम लोग चुनाव जीत गए हैं। पिछले से भी बहुत ज़्यादा वोटों से हम लोग अब की संसद में हमारे सदस्य पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री जी फिर दोबारा प्रधानमंत्री होंगे और देश का विकास होगा। अभी तो 5 साल में जितना परिवर्तन हुआ, जात पात की भावना जिनके अंदर, उसको हम लोग एकदम काफ़ी हद तक मिटा दिए हैं, और 5 साल अगला जो है जाति पात की बात करने वालों के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। कांग्रेस के बारे में क्या रहा है? कांग्रेस क्या है, कांग्रेस मिट गई साहब, परिवारवाद, चाहे कांग्रेस चाहे सपा, ये लोग परिवारवाद हैं। और भाजपा में देखें आप, किसी परिवार का कोई कहीं एक दो चार कहीं हो सकता है, लेकिन कहीं आप देखें भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं चलता है। कोई भी नेता है देखिए, विभिन्न समाज से है, और यहाँ तो उठा के देखिए सपा में पूरा एक ही परिवार के 10 लोगों को टिकट दे देना, कांग्रेस के बस एक ही गांधी परिवार आज तक चल रहा है, तो भोगेंगे लोग ना, भोग ही रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी इसी तरह बढ़ती जा रही है, आगे 2022 का लक्ष्य, वो भी हम लोग बम्पर वोट से चुनाव पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जीतेंगे। क्या ऐसा लगता है 2022 में गठबंधन रहेगा? गठबंधन करके देख लिए ना, तो हम 2.5 साल में, 2.5 साल में और काम करेंगे ना, तो अच्छा और प्रदर्शन करेंगे। अभी लोग अपना अपना जमानत बचाएंगे, देखिएगा, गठबंधन तो अब इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है।